तो हाय गाइस वेलकम टू डमी नीट एंड आई यू ऑल सेट फॉर द डे टू या डे टू के लिए रेडी हैं आप जहां पर आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं लॉग एंटी लॉग लॉग एंटी लॉग वो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हमारे को बहुत परेशान करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग एंटीलॉग का यूज करना पड़ता है एंड इन फैक्ट जब आप क्लास ट्वेल्थ में आते हैं तो वहां पर तो क्लियर फॉर्मिलाज ही ऐसे जहां पर आपको लॉग लेना ही होगा है ना आई मीन क्लियर आपके पास आते हैं जहां पर लॉग एंटीलॉग यूज करना ही करना है और लॉग एंटीलॉग सुपर इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन क्योंकि इससे पहले हमने कभी लॉग एंटीलॉग के साथ डील नहीं किया होता है तो लॉन्ग एंटीलॉग uh, वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती है एंड द थिंग इज कि अगर आपको लॉन्ग एंटीलॉग आता है तभी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे तभी आप किसी भी वैल्यू का लॉग या एंटी लॉग ले पाएंगे अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाता है तो ऑल सेट कैन यू शो मी दैट जोश दैट एनर्जी हियर इन द चैट सेक्शन दैट यस आकांक्षा मैम वी आर सुपर रेडी एंड वी प्रॉमिस यू टू बी कंसिस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आज आपका डे 2 है और इसी के साथ यू नो बाय द नेक्स्ट 10 डेज हमारा

Exactly आपका ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली सेम है एंड दैट इज आपका सिलेक्शन इंश्योर करना दैट इज आपके ड्री मेडिकल कॉलेज की आ, के वो सफर की जर्नी को तय करना साथ में मिलकर एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम एकदम सही डायरेक्शन में सही फैक्टर्स पर काम करते हुए चल रहे हैं राइट सो so, ध्यान करिए कि हमारा जो टाइम है हर दिन यूट्यूब पर हम आपसे मिलने वाले 8:30 पीएम सो so मेक श्योर sure 8:30 पीएम ये टाइम आपने अपने स्केड्यूल में अपने रूटीन में ब्लॉक कर दिया कि यार ये अपना स्केड्यूल होगा डेडिकेटेड टू केमिस्ट्री और यहां पर बात होगी सिर्फ केमिस्ट्री की अनअकैडमी नीट पर आकांक्षा मैम से मिलेंगे हर दिन और कवर करेंगे केमिस्ट्री राइट सो इसी के साथ यार व्हाट इज एग्जैक्टली लॉग तो देखिए लॉग लॉगरिथम होता है लॉगरिथम को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लॉग कह देते हैं अब यार लॉग यूज करना क्यों पड़ा है ना ये एक नया मैथमेटिकल फंक्शन एक नया मैथमेटिकल ऑपरेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं तो देखिए लॉक के हेल्प से क्या होता है ना सुपर आसान बन जाती है लॉक के बारे में सीखे फटाफट कम ऑन क्विकली हियर इन द चैट सेक्शन बहुत सारी आग लग जानी चाहिए लगना चाहिए कि यस कितने जोश से भरे हमारे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ यार YouTube क्या क्या एनवाइ होता है हमारी क्लास का क्या एनर्जी होती है और कितना मजा आता है कितने मजे से हम साथ मिलकर यू नो यहाँ पर केमिस्ट्री को कवर करते हैं इसी के साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड की केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी हमेशा बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर YouTube पर कवर करें तो उसके लिए सबसे पहले तो यूल हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आज के सेशन के बाद एट द सेम टाइम ये टेन डेज की सीरीज में आप जितना कंसिस्टेंट जितना रेगुलर रहेंगे मुझ तक ये मैसेज पहुंच पाएगा कि यस यू ऑल सुपर रेडी एंड आप चाहते हैं कि हर दिन आप मिले और हर दिन ऐसा आग लगाए और बढ़िया से अपनी तैयारी करते जाए फॉर नी ट्वेंटी वेरी गुड वेरी गुड और यार वो स्टैंप लगा दिया है सबने की नहीं यानी कि क्या आपने सेशन को वो बड़ा सा तम साफ दिल खोल कर ऐसे सेशन को लाइक किया है कि नहीं किया है क्योंकि वहां से ये प्रूव हो जाता है आई I मीन mean, वो स्टैंप है इस बात पर कि आप अपना डे टू चैलेंज भी पूरा अकम्पलिश कर रहे हैं यहां पर आप आए हैं आज भी कंसिस्टेंट है डे टू तक देखिए क्या होगा कि ये सीरीज स्टार्ट हुआ है डे वन पर बहुत भीड़ आती है बच्चे ऐसा पूरा जोश से भरे होते हैं बट देन ग्रेजुअली डे दे थ्री डे फोर डे फाइव डे सिक्स तक मैं जानती हूँ ये नंबर ड्रॉप करता है लेकिन एंड तक कौन बचता है एंड तक वही बचता है वो जो फिर एंड में टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होता है कंसिस्टेंट देखिए

इन द चार्ट सेक्शन की ये आकांक्षा मैम बस अब कोई देरी मत करिए और शुरू हो जाइए क्योंकि अगले आ, 30 मिनट्स में बड़ा सेशन बिल्कुल भी नहीं है नेक्स्ट 30 मिनट्स में लॉग एंटी लॉग की पूरी कहानी आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है क्योंकि लॉग और एंटी लॉग को यूज किया जाता है यार किसी भी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखती हूं 2 का स्क्वायर

और वो भी थ्री ट्वेंटी oh so तो नहीं हो पाएगा तो जहां पर ऐसी आपके पास calculations आ या फिर अगर आपको कहा जाए कि यार थ्री इंटू फोर क्या होता है बता देंगे आपकी मैम ट्वेल्व होता है But then आपको कहा जाए इंटू वन वन टू ये क्या होगा तो फिर से ओमाई oh गॉड है ना ये तो बड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा तो इस तरीके से जहां पर बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है जहां पर जॉब करना तो जानते हैं बट देन जो बहुत लेंथी बन जाएगा जहां पर कैलकुलेशन तो फिर वैसे यू नो कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करता है कौन लॉगरिथम तो आई होप आप पहली स्लाइड के साथ ये समझ चुके कि आपके पास ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है व्हिच इज लॉग ये क्या करता है आपकी कैलकुलेशंस को सिंपलीफाई कर देता है इससे पहले कि हम आगे बढ़े मेरा विश्वास प्रो बैच ऑलरेडी लाइव हो चुका है फॉर 2024 और आरएमली लोडेड बैच फॉर 2025 अगर आपको लगता है बढ़िया टीम के साथ जुड़ जाएं और क्लियर रोड मैप के साथ आगे बढ़े जहां आपको सब कुछ मिल रहा है फिर चाहे वो डीपीपीज़ हो क्वेश्चन हो डाउट सॉल्विंग हो आपके लिए पूरा रास्ता रेडी है चलना आपने आपके लिए सब कुछ वहां पर जो लगता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस सब की तैयारी की जा चुकी है अगर आप दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है इफ यू हैव दैट In you, कि yes, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर सकते हैं देन वी विल इंश्योर कि आपकी मेहनत एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है सो so दैट आपको अपनी मेहनत का सही आउटपुट मिल पाए तो फिर आप हमें यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं कोड यूज करेंगे AKA Life, तो आपको मेरा मेंटोरशिप और मेरा गाइडेंस मिल जाएगा थ्रू आउट द ईयर एंड बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स आपको यहां पर मिलते हैं फॉर बायोलॉजी फॉर फिजिक्स और मेरे साथ आप पूरा केमिस्ट्री कवर कर पाते हैं क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ लिंक्स आपको मिलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेक श्योर sure कि आप टाइमली हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ यार रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं ना ऐसा धक धक फीलिंग है किस किस को है? कि मैम धक धक हो रहा है क्योंकि रिजल्ट आने ही वाला है राइट तो यहां पर आप आ, वीडियो पॉज कोड को स्कैन करेंगे तो आपको यू नो यू कैन योर एडमिशन बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको क्या करना है क्यू आर कोड स्कैन करना है एंड आप अपना कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी स्कोर एट द सेम टाइम देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन नीट की प्रेपरेशन करने के लिए तो कोटा इंडोर और दिल्ली में ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस लाइव हैं, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं अपकमिंग बैचेस भी है न्यू बैचेस भी है बहुत जरूरी है टाइम पर अपनी जर्नी की शुरुआत करना तो आप अपने नियरेस्ट अनडमी सेंटर को विजिट करिए वहां पर कंसल्ट करिए एंड मेक श्योर की एक बार काउंसिलिंग के लिए तो आप जरूर 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 अन अकेडमी सेंटर जा रहे हैं और बाकी डिटेल्स के लिए यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स रैंक आप अपनी प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये क्यू आर कोड स्कैन कर जब आप मेरे मेंटोरशिप में आते हैं यानी जब आप कोड यूज करते हैं ए के ए लाइव तो फिर आप को सब चीज का एक्सेस मिल जाता है बी माय माइंड मैप्स बी माय फॉर्मुला शीट्स और आपके मेरे साथ जूम सेशंस होते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस फॉर्मुला शीट्स एवरीथिंग कब जब आप कोड यूज करते हैं एके लाइव तो अन अकेडमी पर आप आए हैं कोड जरूर यूज करेंगे क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल कोड यहां पर सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं आपको हर चीज का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका एक्सेस मिल जाता है एट द सेम टाइम मेरे साथ जर्नी थ्रू आउट फिर आपको साल भर में, में आपको हजारों टेस्ट मिल जाते हैं बाकी यार प्लस और आइकॉनिक सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि अगर आप प्लस के साथ जाते हैं तो आने वाले साल में जितने बाकी भी आपके कोर्सेज होने वाले हैं न्यू कोर्सेज उन सबका भी आपको एक्सेस मिल जाता है कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा अन अकेडमी ऐप पर जो भी होगा साल भर में हर चीज का एक्सेस हर एक बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा और आइकॉनिक में मिलती है सिलेक्शन की गारंटी कैसे आपको मिल जाता है नेक्स्ट ईयर का अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री अगर आपका रैंक उतना नहीं आ पाता है विच इज योर डिजायर स्कोर ओके बात हो रही थी लॉग की लॉग क्या करता है कैलकुलेशंस को कर देता है केमिस्ट्री में लॉग तो कौन -कौन के पर प्रोमिनेंटली ज्यादा कर कर आपको लॉग वाली कैलकुलेशंस करनी पड़ती है तो सबसे पहले आता है आपके पास केमिकल डायनेटिक्स फिर टर्मोडाइनेमिक्स में भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा वो और भी कुछ कुछ यूनिट्स हैं बट देन मैं आपको बताती हूँ केमिकल कानिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर बहुत सारे फॉर्मुलाज ही लॉग वाले मतलब फॉर्मुला के अंदर ही लॉग आता है तो आपको लॉग एंड एंटी लॉग ये वाले चैप्टर्स में तो जरूर जरूर आना ही चाहिए अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी ठीक है अब देखो यार बहुत आसान है आप सब जानते हो कि टू का पावर थ्री क्या होता है एट होता है थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है गिव मी गिवनी अगर ये बहुत आसान है आपके लिए और फाइव का क्यूब क्या होता है वन ट्वेंटी फाइव होता है सिमिलरली एनीथिंग रेस टू पावर जीरो क्या होता है वन होता है है ना अब यार ये जो मैंने यहां पर लिखा है अगर इसी को मैं जनरलाइज कर दूं और मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दूं इसके लिए कि a का पावर m B. तो फॉर एग्जांपल अगर इसको इसके साथ हम रिलेट करते हैं तो यहाँ पर a क्या बन जाएगा m? M तो हमने इस तरह से जितने भी पावर वाले आपके पास एक्सप्रेशन होते हैं ना उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है कुल okay, cool. अब इसके बाद यहां पर ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है ना लॉगरिथम क्या, क्या कहता है कि यार ये जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है और वो क्या इसी सेम एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग b b का बेस a एंड दैट इज इक्वल टू m पहली पहली बार आप सुनेंगे तो आपको लगेगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट अकाउंट ये क्या आपने है ना ऐसा लग रहा है ना तो देखो ध्यान से सुनेंगे ये जो एक्सप्रेशन लिखा है और ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है मैं आपको ये कहना चाहती हूं इसका मतलब अगर आपके पास की पावर लिखा हुआ है ना तो इसी सेम एक्सप्रेशन को लिखने का दूसरा तरीका लॉग के फॉर्म में ये होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास बी आया है इसका तुम लॉग लोगे बेस तुम ए रखोगे एंड आंसर क्या जाएगा? M आ जाएगा एम आ जाएगा एम यहां पर क्या था आपका पावर था ना राइट तो आपका आंसर क्या आएगा एम आ जाएगा अब इसको एक बारी अप्लाई कर कर देखते हैं क्योंकि ऐसे तो सुनने में पहली पहली बार जरा ऐसा नया नया लगता है ना पर दिन जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे सुपर इजी आपके लिए बन जाएगा इसका मतलब जैसे आप देख रहे हो थ्री का स्क्वायर नाइन होता है तो यहाँ पर अगर मैं ये सेम आइडेंटिटी यूज करती हूँ सेम एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो क्या आएगा लॉग बी कौन है यहाँ पर नाइन है तो लॉग नाइन

कि आपके पास अगर ए के पावर एम इज इक्वल टू बी है तो उसको लॉग के फॉर्म में लॉग भी बेस ए और फिर आंसर क्या आ जाता है वैल्यू विल बी इक्वल टू एम तो इस तरह से लिखा जाएगा आई होप कि यहां तक किसी को कोई भी मुश्किल नहीं है है ना अब ऐसे ही कुछ कुछ एक्सप्रेशन जरा लिख कर देखते हैं तो फॉर एग्जांपल यहां पर 8, फिर उसका बेस टू विल इक्वल टू थ्री है ना इसको कैसे लिखोगे कि 9, उसका बेस क्या आएगा थ्री आएगा एंड दिस विल इक्वल टू टू फिर यार यहाँ पर क्या आएगा लॉग 125 उसका बेस विल बी फाइव एंड आंसर निकल कर आएगा थ्री फिर यहां पर आपके पास क्या आएगा लॉग वन है ना लॉग वन बेस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो कोई मुश्किल आपको यहां तक तो सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन पावर में आपको गिवन है तो उसको लॉग के फॉर्म में कैसे हम लोग लिख सकते हैं है ना यहां तक सबको क्लियर कि कैसे भी किसी एक्सपोनेंशियल या पावर वाले एक्सप्रेशन को आप लॉग के फॉर्म में लिखते हैं और लॉग का एक बेस होता है एक तो वैल्यू होती है जैसे वन इसका तो तुम क्या फाइंड आउट करने वाले हो लॉग लॉग किसके ऊपर लग रहा है वन के ऊपर फिर लॉग का एक बेस भी होता है और बेस क्या होता है फाइव जैसे आपने यहां पर देखा दिस इज ए ये जो 5 है आपका दैट इज वॉट ए तो है ए की पावर एम होता था ना कि हमारे पास क्या ए का पावर एम एंड दिस इज इक्वल टू बी तो बी का आप लॉग लेते हैं ए आपका बेस बनता है और एम क्या आता है यहाँ पर एम आपकी फाइनल वैल्यू निकल कर आती है राइट right? तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए कि हमारे पास क्या होता है ये जो आपका एक्सप्रेशन uh, है यहां पर ए आपका बेस है बेस क्या है ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी ओवरऑल लॉग आप किसका लोगे B का लोगे बी का और जब वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी इक्वल टू एम अंडरस्टूड फिर हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए कुछ हमारे पास क्या आती है प्रॉपर्टीज आती है लॉग की तो लॉग की भी हमारे पास क्या होती है कुछ प्रॉपर्टीज होती है कुछ रूल्स होते हैं कुछ फॉर्मुलाज होते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि यार देखो अगर आप क्या करने वाले हैं सिंपल सी बात है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अलग से बताती हूँ कि अगर आप लॉग ले रहे हैं दो ऐसे फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है राइट तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग एम प्लस एन की फॉर्म में लॉग एम प्लस लॉग एन की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है ठीक है तो ये रूल है आइडेंटिटी है जैसे हमने बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं कि नहीं क्लास एट में आपने पढ़ा है तो इसी तरह से लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या करिए अलग से सम ले लीजिए तो लॉग लॉग ये तुम्हारे पास आ जाता है और ऑब्वियसली फिर यहाँ पर क्या रहा होगा आपके पास यहाँ बेस रहा होगा ए इसमें भी बेस ए है और यहाँ पर भी बेस है लॉग का हमेशा कुछ ना कुछ बेस होता है अब इसका मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय थ्री है ना टू मल्टीप्लाइड और यहाँ पर बेस लिया है तो यह यहाँ पर, पर आपके पास क्या आएगा थ्री ये मीन अप अगर ये आपको क्लियर है और ये बहुत बहुत, बहुत सुपर 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 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी मतलब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है आप ये देखिए कि जब जब आप लॉग का यूज करेंगे ना मैक्सिमम केसेस में आपकी ये वाली प्रॉपर्टी ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही होगी और और वहां आपको टीचर्स बताएंगे कि देखो लॉग लॉग के बराबर होता है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। और फिर तुम कहोगे कि ये तो हमें आता ही नहीं है ना ये हमने पढ़ा ही नहीं है पर नहीं आकांक्षा मैम हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि अब हमें आता है आज की क्लास अटेंड करने के बाद ये पूरा हम सीख जाएंगे है ना तो यार उसके बाद अब जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास ऐसा लिखा है आपने एक, आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कि log, आपको दिया है और अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे इस तो uh, तो एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन कैसे होगा प्रॉपर्टी का यूज करते हुए प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो लॉग बेस क्या लिखा है बेस अपना ए है तो फिर हम बेस ए ही ले, ले लेते हैं बेस ए आएगा पी प्लस लॉग बेस ए और यहां पर आपके पास क्या जाएगा वी कह दो जी यस yes, मैम ना यहां तक कोई मुश्किल आपको नहीं है तो ये होती है आपके लॉक की पहली प्रॉपर्टी द फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आपने यहां पर देखा इसको हमने कवर कर लिया है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि लॉग लॉग प्लस वी बन जाएगा तो यार अपनी पहली प्रॉपर्टी कवर हो गई है अब दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग सेकेंड प्रॉपर्टी लॉग की कहती है कि यार देखो अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड किए जा रहे हैं क्या हो रहा है अगर दो फंक्शन को आप आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या करना है लॉग माइनस लॉग एन कर दीजिए इसका मतलब यहां अगर बेस है इसका बेस है हो जाएगा इसका भी बेस हो जाएगा और दो फंक्शंस को आपस में अगर डिवाइड किया जा रहा है तो फिर वापस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन बन जाता है कूल कूल यहाँ तक किसी को मुश्किल है ये प्रॉपर्टी ऐसे मुश्किल तो नहीं लग रही आपको देखो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करते हो तो एक बड़ी वैल्यू आती है कि नहीं तो मल्टीप्लीकेशन में याद रखो कि ऐड करना है अलग से लिखकर सब ट्रैक्ट करना है दैट तो कर मीन्स अगर आपको कह दें कि यार हमारे पास ना लॉग लेना है आपने बेस ए रखना है और तुम्हारे पास क्या है प्रेशर बाय टेम्परेचर है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए लॉग बेस ए प्रेशर माइनस लॉग बेस ए टेम्परेचर क्या ये मुश्किल है आकांक्षा मैम एक बताओ कोई मुश्किल एनी मुश्किल यार कह दो नो 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 कोई मुश्किल नहीं है आकांक्षा मैम है ना तो केमिस्ट्री में एक एक्सप्रेशन आपके पास आएगा जब आप केमिकल कैनेटिक्स पढ़ेंगे जो क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर है वहां पर आपके पास आता है लॉग

अपना तो मैथ का, का काम करना है हमने यहां पर और मैथ हमें ये कहती है कि अगर दो फंक्शन आपस में लॉग में डिवाइड किए जा रहे हैं तो आप उनको सब्रैक्ट कर दीजिए है ना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो यार फिर इसके बाद ये आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं लॉग की तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की फॉर लॉग तो आपने देख लिया सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई है इसका एग्जांपल भी हमने देखा और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई है अब यहाँ पर थर्ड और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास आती है नेक्स्ट इसको प्लीज ध्यान से देखना ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी फंक्शन का लॉग ले रहे हो मान लो तुम लॉग ले रहे हो एम का और बेस तुमने मान लिया ए ठीक है और एम का ना पावर लगा हुआ है एम की पावर लिखी हुई है एम

क्या रखेंगे पेशेंस रखेंगे और फिर पांच मिनट बाद इसी को हम डिस्कस करेंगे ध्यान से सुनिएगा हमारे पास मान लीजिए क्या दिया है फाइव का पावर टू ऐसा लिखा हुआ है ठीक है लॉक फाइव का पावर टू बेस ए लिखा है कांक्षा मैम तो यार यहाँ पर इसको इसके साथ रिलेट करो कि मतलब कोई एक फंक्शन है और उसकी पावर भी है तो लॉग कहता है कि जब भी आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए आप क्या करिए यहां पर एन को तो बाहर ले जाइए ये जो तुम्हारे पास एन लिखा है ना एन को तो यहाँ पर ले आइए लिया के पहले तो आपके पास आ जाएगा एन लॉक फिर बेस तो यही रहेगा बस simple. क्या करना है जो पावर, होती है न, पावर जो फंक्शन की पावर है, उसको लॉक के पहले ले आओ उसको लॉक के बाहर ले दैट्स इट हो गया तो हमारे पास यहाँ पर ये जो टू है ये लॉक के पहले आएगा तो क्या बन जाएगा यार टू लॉक फाइव बेस ए अगर तुम सेशन में हो और अगर अगर जान लगा कर, इतना दिल लगा कर आपको पढ़ा रही है और अगर आपने सेशन नहीं किया, तो बड़े कंजूस हैं आप। पर मुझे लगता नहीं है कि हमारा सेशन देखने वाला कोई भी स्टूडेंट इतना कंजूस टाइप होगा इतनी कंजूसी कर रहा होगा नहीं ना तो मेक श्योर sure आपने सेशन को दिया है पूरा प्यार सो दैट आकांक्षा मैम और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले कि आप डिटेल में भी पढ़ा देते हैं चैप्टर्स भी कुछ कुछ पढ़ा ही देते हैं केमिस्ट्री के पर वो आपको उसके लिए अपना प्यार तो अपना पहुंचाना होगा आकांक्षा मैम तक की नहीं अब आकांक्षा मैम को दिखते तो नहीं हो तुम है ना पर आपका प्यार तो दिखता है जो आप चैट में दिखाते हैं जो आप कॉमेंट्स में दिखाते हैं वो तो दिखता है चलिए वेरी गुड शाबाश अब हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाओगे मेरे को आप अगर मान लीजिए हमारे पास यार अः ये लिखा हुआ है लॉक टेन लिखा हुआ है बेस भी आपने टेन ही लिया है और पावर इसकी टू लगाई हुई है तो बताओ ये क्या बनेगा देखना और यहां पर आपके पास टेन आ जाएगा हो गया कोई मुश्किल यहां तक नहीं है फिर ऐसे कहीं कहीं कही दूसरे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं दूसरे एक्सप्रेशन किस तरह दूसरे एक्सप्रेशन आपके पास हो सकते हैं कि यार मान लो तुम्हें क्या दिया गया कि बेस आपके पास ए है और यहां लिखा है पीवी और पीवी की पावर गामा लिखी हुई है अब देखो इसमें दो आइडेंटिटी यूज हो सकती है ध्यान से देख रहे हैं आप दो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं किस तरह यार इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे एक बारी इसको अलग से देख लेते हैं है ना तो यहां पर ये वाला जो अपना एक्सप्रेशन है इसमें हम क्या करने वाले सबसे पहले गामा को बाहर लेकर आएंगे ये जो गामा है इसको बाहर लेकर आओ लॉग लिखो प्रेशर को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बेस अपना ए हो जाएगा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे गामा लॉग ए प्रॉपर्टी नंबर टू लग रही है घर की नहीं इनफैक्ट प्रॉपर्टी नंबर वन मतलब कि आप यहां पर ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में है तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी नंबर वन क्या कहती है कि आकांक्षा मैम अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर दीजिए है ना है ना यस yes, मैम ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा

हमने अलग से समझना है क्या आ, वैसे वाले लॉग्स को जिनका बेस टेन होता है right? अच्छा देखो हमेशा ध्यान रखना हमारा जो सिलेबस है ना हमारे सिलेबस में हमें वही वाले लॉग हमेशा यूज करने जिनका बेस टेन होता है तो तुम हमेशा ध्यान रखो तुम्हारे सिलेबस में लॉग बेस टेन है क्या है बेस टेन तो बार बार जो आप ए लिख रहे थे ना यहां पर ए आपके पास क्या था बेस था तो अपना जो सिलेबस है उसमें हमें बेस को हमेशा ही यूज करना है क्या यूज करना है टेन यूज करना है और एक बात और ध्यान रखना कि लॉग बेस टेन है ना वो होता है न, वो one होता है ध्यान रखेंगे इस बात को कि लॉग अगर बेस 10 है और यहां पर वैल्यू आप टेन की फाइंड आउट कर रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा वन आएगा, आएगा। आंसर विल ऑलवेज बी वन इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यार देखो अगर ना तुम्हारे पास ऐसा लिखा है लॉग वन और बेस भी वन है तो आंसर हमेशा वन आएगा अगर तुम्हारे पास लिखा लॉग टू और बेस भी टू है तो आंसर हमेशा वन आएगा अगर तुम्हारे पास इसका मतलब जिसका तुम लॉग फाइंड आउट कर रहे हो और जो बेस है अगर वो सेम टू सेम है तो आंसर हमेशा वन आता है यार इसका मतलब अगर लॉग बेस टेन है और यहां पर टेन लिखा है तो आंसर विल ऑलवेज बी वन लॉग बेस टेन आ, और टेन का वैल्यू हमेशा क्या होता है one होता है इतना सबको ध्यान हो गया तो आज के बाद मैं आपको कहूं लॉग टेन कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना पड़ जाए यूज करना पड़ जाए लॉग टेन तो लॉग टेन क्या होता है आकांक्षा में लॉग टेन तो हमेशा वन होता है क्या कहेंगे आप लॉग टेन इज ऑलवेज वन तो यहां पर क्योंकि देखो जब मैं आपको कह रही हूं log 10 तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार ये तो बता दो बेस क्या है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बेस आप हमेशा क्या, क्या कंसीडर करेंगे 10 ही कंसीडर करेंगे हमेशा मान लो कि यार बेस अपना 10 ही है बेस क्या है आपके पास 10 ही है तो log 10 का बेस 10 अगर आपको दिया गया है तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 एनी मुश्किल नो 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 है ना बढ़िया रहा यार मजेदार अब थोड़े से अभी ना थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं वो वाली नहीं 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 वो तो आप अपने घर पर ही करिए अब ऐसा सेशन में वो वाली एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती है ना इसी को ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसी के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज करते हैं राइट है रेडी हो रेडी 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 कौन देगा आकांक्षा मैम को सबसे पहले आंसर कौन ऐसे यस मैम नहीं ऐसा लग रहा है जैसे वोट फॉर अकांक्षा मैम है ना बट एक्चुअली नहीं एज इक्वल टू वन नहीं होता है टेन होता है ठीक है या आप अपनी जो अपना ज्ञान है मोहम्मद उसको जो आकांक्षा मैम बता रही है उसके साथ सिंह करा लो लॉग की वैल्यू वा आपके पास यहाँ पर जो होगी ना दैट विल ऑलवेज भी कितना ये टेन होगा अगर बेस टेन है तो इसका मतलब हमारे पास जो आपके सिलेबस में है उसमें हम हमेशा बेस को क्या ले रहे होंगे टेन ले रहे होंगे अब देखो यार

और आप लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं किसका हंड्रेड का यार एक बात बताओ हंड्रेड जो होता है क्या मैं उसको टेन की पावर टू लिख सकती हूँ किसी को मुश्किल है इस बात में कि हंड्रेड को टेन की पावर टू लिख दिया हो आकांक्षा मैम ये क्या किया आपने लिख सकते हैं ना मैंने ऐसे कोई बहुत गड़बड़ काम तो नहीं कर दिया है। देखो यार क्या मैं टेन को सॉरी क्या मैं हंड्रेड को टेन की पार्ट टू लिख सकती हूँ हाँ जी और फिर अगर मेरे को लॉग बेस टेन 10, हंड्रेड लिख कर दिया हुआ है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ देखो लॉग बेस तो ऑब्वियसली अपना टेन ही रहेगा टेन की पार्ट टू लिख दू तो चलेगा

लॉग बेस 10 10 की वैल्यू तो वन ही होती है यार यही तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि लॉग 10 हमेशा ही जिंदगी में कितना निकल कर आएगा वन ही आएगी उसकी वैल्यू तो यार ये तो टू बन गया टू इन वन तो आंसर क्या आएगा टू आएगा है कि नहीं अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार हमारे पास क्या है ना लॉग वन जीरो है आप क्या होगा तो यार आप कहोगे कि अच्छा बेस टेन है कूल cool है तो क्या मैं इसको टेन की पार फोर लिख सकती हूँ हाँ लिख सकती हूँ लॉग क्या आएगा बेस टेन आएगा नाउ दिस विल बी इक्वल टू फोर लॉग बेस टेन और टेन तो लॉग टेन कितना होता है वन होता है तो फोर इंटू वन आंसर कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो आपके पास क्या निकल कर आया आंसर इज फोर कितना आसान है तो यार मेरे को ना मैं एक बात नोटिस कर पा रही हूं यहां पर क्या बात नोटिस कर पा रहे हैं कि देखिए आपके पास आपके पास और आपके पास यहां पर क्या होता है आपके पास जो भी पावर में होता है ना अगर टेन है तुम्हारे पास तो पावर में जो भी होगा जैसे इधर पावर में फोर है, है ना पावर में आपके पास जो भी होगा एंड में आंसर वही निकल कर आ रहा है 10 की पावर में जो भी है आंसर वही तो निकल कर आ रहा है ये देखो इधर भी ऐसा ही हुआ कि 10 का पार्ट टू था तो आंसर भी मेरा फाइनली क्या निकल कर आया टू ही निकल कर आया क्योंकि लॉग 10 तो 1 होता है तो जो भी आप बाहर लेंगे लॉग के बाहर लेंगे आंसर वही आ जाएगा अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व कर कर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि देखिए आपके पास लॉग ऐसे लिखा है यार 0.001 तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास बेस टेन है जल्दी से हु इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास टुडे कौन है सुपर स्मार्ट सुपर 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 स्मार्ट जो आकांक्षा मैम को राइट आंसर बताने वाला है बता दो यार आई अनाउंस योर नेम हुएवर विल गिव मी द राइट फास्टेस्ट राइट आंसर कम ऑन और इसी के साथ सबने सेशन लाइक किया होना चाहिए है ना वाह wow, यार नाइस nice. तुम तो इंटेलिजेंट हो यार आंसर एकदम ठीक है आपका माइनस थ्री इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर हमारे पास क्या होगा लॉग बेस टेन और आप इसको क्या लिख सकते हो टेन की पार माइनस थ्री लिख सकते हो तो यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस विल बी माइनस थ्री लॉग बेस टेन टेन और ये क्या होता है वन होता है तो आंसर कितना आएगा माइनस थ्री आएगा सिंपल तो अभी यहाँ पर वापस चलते हैं ये देखो इस स्लाइड में इस्टली यही लिखा है कि टेन तो वैल्यूरो तो जीरो जीरो माइनस टू आता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो माइनस थ्री आता है और एक बार सोचकर आप मुझे बताएंगे कि यार अगर मैं आपको ये दे दू लॉग बेस टेन और वन आपको दे दिया है इसकी वैल्यू क्या लॉग बेस टेन और वन क्या होगा जल्दी से बता दो ये दिव्या क्या चल रहा है क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हैं है ना क्वेश्चन ही कर रहे हैं पहले सीख तो जाए आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे जितना जरूरी है रेलिवेंट है आपको सब बता दिया जा रहा है बोलो जी क्या होगा जीरो दिस विल बी इक्वल टू जीरो ध्यान रखना ये जीरो के इक्वल आएगा लॉग

However, ये one होता है but anything multiplied by zero will be equal to zero. तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो log one होता है ना log one किसके equal होता है zero के equal होता है यहां तक क्या आपको सब कुछ clear है जितना आपके साथ यहां तक discuss किया गया है बोल दो तो कि yes ma'am तो इतना तो हम समझ गए क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अलग अलग log की values क्या क्या होती है ना अभी हमने वो सीखना यार कि हमारे पास log पहली बात तो देखो जितना आपके सिलेबस में है वो सब कुछ यहाँ पर लिख दिया गया है आपके पास जो लॉगरिथम होता है उसके हमारे पास दो बेस हो सकते हैं लॉग का बेस या तो ई हो सकता है या फिर लॉग का बेस टेन हो सकता है ठीक है तो लॉग आपके पास बेस ई अगर लिखा है तो आपने सुनाओगा किस सुना होगा नेचुरल लॉग किस किस ने सुना है नेचुरल लॉग बोलते हैं ना किसका नेचुरल लॉग लगा लो और नेचुरल लॉग को आप एलन से रिप्रेजेंट करते हैं किससे लॉग नहीं लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं एल लिखते हैं और एक लॉग बेस टेन होता है जिसको आप अगर लॉग भी लिख दोगे ना बेस टेन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि अच्छा लॉग है तो बेस टेन ही होगा और दूसरा आपके पास क्या आता है नेचुरल लॉग आप बहुत बार डील करोगे नेचुरल लॉग के साथ भी लेकिन देखो नेचुरल लॉग को भी आंसर कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें लॉग बेस में ही लॉग बेस टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा लेकिन आपके पास दो तरीके के लॉग आपके सिलेबस में यूज होने वाले हैं पहला नेचुरल लॉग नेचुरल नेचुरल लॉग लॉग को आप Ellen से रिप्रेजेंट करते हैं का मतलब होता है लॉग का बेस ई e. E होता है एक्सपोनेशियल जिसकी कुछ वैल्यू होती है टू समथिंग ठीक है तो ये आपके पास क्या आता है लॉग का बेस ई एंड दैट इज योर नेचुरल लॉग फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या मान लो यार तुम्हें लॉग दिया गया है पर लॉग ना आपको कभी भी डायरेक्ट यूज करना नहीं होगा हो मतलब तो आपको लॉग बेस टेन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके पास नेचुरल लॉग होता है ना एल एन दैट इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन ऐसे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें लॉग को आपने लॉग बेस टेन में कन्वर्ट कर दिया कैसे किया भाई 2.303 से मल्टीप्लाई कर कर जैसे आपने देखा हुआ होगा जानते होंगे आप बट आज आपको जरा फील हो रहा है कि अच्छा ओके यहाँ से आता है ऐसे करते हैं इसको कूल cool है इतना सबको क्लियर है कि नहीं जल्दी से बता दो आप कि ये मैम 2.303 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका लॉग बेस

आपको लॉग की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए कभी कभी क्वेश्चन में देते हैं और बहुत बारी क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता है कि लॉग टू क्या होता है लॉग थ्री क्या होता है देखो यार लॉग वन आपको पता है कि मैम होता है और लॉग टेन तुम्हें पता है कि मैम वन होता है तो हमसे आप भेजिए अगर लॉग जीरो और लॉग टेन आप जानते हैं अब बाकी की जो वैल्यूज है ना टू से लेकर नाइन तक जीरो और वन के बीच में आने वाली है उसके लिए जरूरी है कि कम से कम आपको लॉग टू की तो वैल्यू पता होनी चाहिए बाकी का मैं ट्रिक बता दूंगी। तो कम से कम आपको लॉग टू की वैल्यू आनी चाहिए और लॉग टू की क्या होती है? Log 2? Log 2 या फिर आप अप्रोक्सिमेटली बोल सकते हो कि लॉक टू तो जीरो पॉइंट थ्री होता है फिर उसके बाद देखो थ्री को छोड़ दो लेकिन लॉग फोर लॉग फोर को आप ऐसा लिख सकते हो ना यार कि टू का पावर टू दो हम लिख सकते हैं। तो फिर आइडेंटिटी करेंगे तो टू के और लॉक टू रह जाएगा आप टू तो के साथ तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका लॉग फोर होता है ना जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो आता है कितना आता है लॉग फोर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो समझ आया देखो लॉग टू था मेरे पास और लॉग टू के हेल्प से मैंने log 4 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया कि तो 2 2, तो कितनी आएगी जीरो पॉइंट थ्री जीरो लिया टू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो फिर इसके बाद लॉग एट आता है लॉग एट क्या होता है टू का क्यूब होता है वॉट इज लॉग लॉग एट बोला यार टू का पावर थ्री लिख दू ये तो बड़ा बेसिक है कह दो यस मैम इज द जोश वो एनर्जी कहां पर है लगना चाहिए कि यस मैम आप बोले तो आकांक्षा मैम को यहां तक आवाज आनी चाहिए है ना मेरे स्टूडियो तक आवाज आनी चाहिए यस मैम तो हमारे पास क्या आएगा कि थ्री लॉग टू वैसे आकांक्षा मैम ये तो चाहकर भी नहीं हो पाएगा एक तो पहली बात हम अपने घर बैठे हुए हैं आप अपने घर हो हम इतना जोर से चिल्लाएंगे अगर तो पहली बात तो हमारे पेरेंट्स कहेंगे कि ये तो पागल ही हो गया है पता नहीं क्या हो गया कितनी भी जान लगा ले हम। आपके स्टूडियो तक तो आवाज पहुंचने नहीं वाली आकांक्षा मैम तो बस ये तो आप रहने नहीं दो है ना ऐसे ख्याल मत रखिये आकांक्षा मैम मतलब क्या करवा रहे हो आप जोर से बोलो यस मैम मेरे स्टूडियो तक आवाज आ जाए कोई प्रैक्टिकल बात तो कर लो आप ये बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैम पहले तो पेरेंट्स से पटना पड़ेगा ऊपर से आवाज आप तक फिर भी नहीं पहुंचेगी आवाज आपको हमारी फिर भी नहीं आने वाली है ना <laughs> तो हमारे पास यहां पर थ्री लॉक टू आया अब लॉक टू क्या होता है बोलो यार लॉक टू होता है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो आपके पास थ्री को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो टू जीरो आ जाएगा इसका मतलब एट की वैल्यू कितनी आती है कह दो यार कि लॉ एट अकांक्षा मैम विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन जीरो टू जीरो है ना जीरो पॉइंट नाइन जीरो टू जीरो होता है इसका मतलब ना देखो इतना नाइन जीरो थ्री जीरो होगा यार पहली बात तो थ्री जीरो होगा दूसरी बात

आगे बढ़ते हैं फिर इसी के साथ ऐसे ही टू और देखो पॉइंट थ्री और पॉइंट सिक्स के बीच में तुम्हें नहीं लगता पॉइंट फाइव आ रहा है, है ना पॉइंट थ्री और पॉइंट सिक्स के बीच में पॉइंट फाइव आता है कि नहीं तो यहां पर log थ्री की एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू होती है जीरो पॉइंट फाइव सेवन विच इज अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव ओनली है ना तो जीरो पॉइंट थ्री फिर 0.5 0.47 इज दी एग्जैक्ट वैल्यू और फिर आपके पास 0.6 ही आया है ना एक-एक बढ़ाते जाओ अब आपने क्या करना है 0.6 आया ना तुम्हारे पास एक-एक बढ़ाते जाओ तो ये 0.7 आता है फिर log 6 एप्रोक्सीमेटली 0.8 होता है तो 0.77 इज एप्रोक्सीमेटली 0.8 फिर ये 0.85 हो गया देखो अगर ये 0.8 हुआ तो ये 0.85 हो गया 0.8 0.85 पॉइंट एट और पॉइंट नाइन के बीच में क्या आता है पॉइंट एट फाइव आता है तो सारी वैल्यूज आप इस तरह लिख सकते हो सारी वैल्यूज इस तरह आपके पास आ जाएंगी सभी लॉग की वैल्यूज तुम्हारे पास आ चुकी है बोला यार इसमें कोई मुश्किल मुश्किल है नहीं है ना इजी था आसान हो गया आपका तो हमारे पास जितने भी आपके पास लॉग होते हैं ना उनकी वैल्यू याद करने में बड़ा कष्ट होता है आपको है ना बड़ी दिक्कत आती है कि क्या यार अब क्या मतलब हम वैल्यू लर्न करें नहीं ऐसे करनी है आपको तो ऐसे ध्यान रख सकते हो आप राइट सबसे पहले लॉग वन लॉग वन इज जीरो लॉग टू लॉग टू याद रखना है जीरो, जीरो, जीरो होता है जीरो कह दो फिर उसके बाद बढ़ाते जाए Uh, फिर इसके बाद आपको पता है लॉग फोर ध्यान रखना था .06 टू से निकल कर आया था लॉग एट कितना निकल कर आया .09 और लॉग टेन अपना क्या होता है वन होता है फिर यहाँ .3 और 0. .6 के बीच में 0. .5 0. .6 के बाद एक एक बढ़ाते जाओ .7 फिर 0. .8 फिर 0. .85 0. .9 0. .95 वन सिंपल डन 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 हो गया बस इसी के साथ लॉग आपका पूरा फिनिश हो चुका है अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे या आप लॉग की वैल्यू यूज कर रहे होंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा क्योंकि अब आप आपको लॉग यूज करना आ गया है इनफैक्ट आप बहुत बच्चों से बहुत आगे होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडेंटिटी भी आती होती है प्रॉपर्टी भी आती है पर लॉग की वैल्यू किसी से लर्न नहीं हो पाती है ना लॉग की वैल्यूज में देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा ना बस लॉग टू पता होता है सबको बाकी लॉग फोर लॉग एट लॉग फाइव सिक्स तो किसी को भी नहीं पता होता लेकिन आपको किसी को जरूरत नहीं है कि हमें वैल्यू दी जाए क्वेश्चन पेपर में आप सबको आता है राइट right? अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन व्हिच इज योर एंटी लॉग एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं तो यार देखो एंटी लॉग मतलब कि ये ऐसा नहीं लग रहा लॉग का कुछ उल्टा होगा तो इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो लॉग का इनवर्स एंटी लॉग को आप क्या कह सकते हो लॉग का इनवर्स कह सकते हो तो जैसे कि मेरे को फाइंड आउट करना है 6.7 का एंटी लॉग तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि यार 6 में 0.7 ऐड हो रहा है बताओ कोई मुश्किल है ऐसा लिखने में कि 6 0.7 अगर मेरे को एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 6.7 का तो क्या मैं उसको 6 0.7 लिख सकती हूं बोलो यस yes, मैम फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि यार एंटी लॉग क्या होता है लॉग का इनवर्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ लॉग समझ लो उल्टा है एंटी लॉग लॉग का इनवर्स फिर इसके बाद यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखा जा सकता है कि लॉग सिक्स को आप क्या कहेंगे बेस टेन और या फिर मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ लॉग टेन की पावर सिक्स कहना कि आप मेरे बात से एग्री कर रहे हो

<laughs> कि लिख तो सकते हैं लगता तो है हमें कि लिख दो आप है ना लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं वेरी गुड फिर उसके बाद तो हमने यहाँ पर लिख दिया है लॉक सिक्स लिख दिया इसको मैंने लॉग टेन की पास सिक्स लिख दिया है अब पॉइंट सेवन यार पॉइंट सेवन कौन होता है पॉइंट सेवन होता है लॉग फाइव

मल्टीप्लाई कर दो फाइव इंटू टेन की पास सिक्स कर दो दो फंक्शन अगर आपस में एड हो जाए तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं हाँ जी कर सकते हैं कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया दैट्स इट कर दिया हमने यस yes, मैम कह दो अब तो यार बड़ा आसान हो गया देखो लॉग इनवर्स एक तरह से क्या है वन अपॉन लॉग ही तो है यार और अंदर तुम्हारे पास क्या है लॉग फाइव इंटू टेन की पास सिक्स लिखा हुआ है तो तुम्हें नहीं लगता लॉग से लॉग कैंसिल हो चुका है और आंसर आ चुका है आपके पास फाइव इंटू टेन टू दी पार सिक्स सो दी एंटी लॉग ऑफ सिक्स पॉइंट सेवन विल बी फाइव इंटू टेन टू दी पार सिक्स आहा इतना आसान कोई नहीं समझाएगा आपको ठीक है तो यहां पर आई होप एंटीलॉग आपको समझ आया बट यार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फीलिंग तब तक नहीं आएगी आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर यहां बैठकर सॉल्व नहीं करोगे है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं आप और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए रेडी यस मैम बोलो यार थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें एक और क्वेश्चन

कौन सी है प्रॉपर्टी नंबर वन यहाँ पर यूज हो जाएगी कि दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे तो उनको क्या कर दें आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो टेन की पार्ट ट्वेंटी फोर या फिर मैं कह सकती हूँ टू इंटू टेन की पार्ट ट्वेंटी फोर हो जाएगा अब लॉग से लॉग इन कैंसिल हो जाएगा एंड यूल बी लेफ्ट विद दिस टू इंटू टू दार्ट ट्वेंटी फोर तो आपके पास ट्वेंटी का एंटी लॉग विल बी टू इंटू टू दार्ट ट्वेंटी फोर सोनू मित्तल अलीशा बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट आंसर दिया है आपने वाह जी वाह नाइस वेरी गुड ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े या नहीं टिंग डिंग डिंग आमना लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का आखिरी द लास्ट क्वेश्चन देखो एक घंटे के भी अपनी क्लास हुई नहीं अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट ही लगा है लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है बट याना कहानी में ट्विस्ट आएगा देखो नेगेटिव साइन लिखा है माइनस लिखा है तो दिमाग खोलकर आंसर करेंगे इसका एंड आई विल अनाउंस द नेम जो भी मुझे राइट आंसर देने जा रहा है बोलो यार बताइए 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 फोर्टी एट फोर्टी एट फोर एट फोर्टी एट सच बोलो ये कहां से आ रहा है कैसे हो तुम ओ माई गॉड एक बच्चे ने लिखा होगा किसी ने फोर्टी एट तो बस शुरू हो गए पहले बात तो बिल्कुल ही गलत आंसर है आपका एब्सोल्यूटली रॉन्ग फोर एट फोर्टी एट और वैसे ना मेरे को पता है नाइनटी परसेंट बच्चे जिन्होंने फोर्टी एट लिखा है कुछ नहीं किया उन्होंने पेन को हिलाया भी नहीं है बस चार बच्चों ने लिख दिया फोर्टी एट तो बस पीछे पीछे है ना पीछे पीछे मैम 48 48 48 जैसे होता है ना स्कूल में क्लास चल रही होती है ऑफलाइन सेटअप होता है उसमें दो बच्चे आंसर करते हैं और फिर जब मैम पूछती है व्हाट इज दी आंसर तो सब एक साथ चिल्लाते हैं कुछ-कुछ तो लिपसिंग ही करते हैं कि चलो मैम को फीलिंग आ जाएगी कि आंसर मेरे को भी पता है है ना बाकी पता कुछ नहीं है तुम लोगों को मेरे को पता है आधे से ज्यादा बच्चे भी नहीं हिलाया कुछ नहीं और सीधा आंसर कर दिया फोर्टी एट क्यों क्योंकि चैट में लिखा है मैम फोर्टी एट क्या पता मैम मेरा ही नाम देख लें 48 और कह दें कि बहुत बढ़िया पर आंसर आपका गलत है होता है ना ऑफलाइन क्लास में क्या आया 48. चलो ठीक है 48. है मैम ना और दो चार होते हैं उनकी बस लिप्सिंग ही चलती है लिप्सिंग चलती है ना ऐसे कि चलो कंक्षा मैम देख रही है थोड़ा इंप्रेस हो जाए तो ठीक है फीलिंग आ जाएगी कि मेरे को आता है बाकी आता है नहीं मेरे को है ना चलो ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बट मैं तो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हो पा रही हूँ आपसे आंसर ही गलत दिया आपने अब आप देखो तुम थोड़ी सी चीटिंग कर लो स्टाइल मार लो और आंसर सही हो तो मेरे को ज्यादा पता नहीं चलेगा और मैं इंप्रेस हो भी सकती हूँ पर आंसर गलत दिया आपने आंसर ही गलत आया यार चीटिंग भी ऐसी की कि आंसर ही रॉन्ग है बाकी किसी ने राइट आंसर दिया है लेट मी सी अगर किसी ने राइट आंसर दिया है मेरे को तो किसी का भी राइट आंसर नहीं दिख रहा है आई कैन नॉट सी द राइट आंसर हियर नो एक दो स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा क्लोज दिया है बट नॉट द करेक्ट वन सही तो किसी का भी नहीं है ठीक है चलिए अब हमारे पास यहां पर सबसे पहले तो यार मेरे को एक बात बताओ. 6.4 नेगेटिव का दिया है. माइनस तो यार माइनस में दिया है तो आप इसको क्या लिखोगे एंटीलॉग ऐसा नहीं लिखोगे कि सेवन माइनस कितना आएगा सेवन में से कितना माइनस करेंगे कि यह आ जाए तो आपके पास आएगा सेवन माइनस पॉइंट इन फैक्ट क्योंकि तुम्हें लेकर आना है ना क्या लेकर आना है आपको इसको नेगेटिव लेकर आना है आपकी वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आनी चाहिए तो आप क्या करोगे माइनस सेवन में जीरो पॉइंट सिक्स आप एड करोगे तो कर कर देख लो माइनस सेवन में पॉइंट सिक्स एड कर देखो यार तुम्हारे पास क्या आएगा यही आएगा माइनस सिक्स पॉइंट फोर नेगेटिव भी तो आना चाहिए तो पहले ना बस दिस वाज दी अल्टीमेट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप इसको लिखना जान गए तो फिर हो गया क्वेश्चन क्या लिखा है कि -6.4 आप कैसे लिख सकते हो तो -6.4 को -7 0.6 लिखा जा सकता है एंटी लॉग की जगह अब आप लॉग इनवर्स लिखेंगे पर यहां पर आपके पास क्या आएगा -7 0.6 इसको हम क्या कह सकते हैं लॉग 10 के पावर -7 कह सकते हैं और आकांक्षा मैम इसको लॉग 3 कह सकते हैं दैट्स इट सॉरी यहां इसको आप क्या कहोगे प्लस यहां पर प्लस लॉग 2 आ जाएगा

सो एक क्वेश्चन दे आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क के लिए उसके बाद में आपको बताती हूँ टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए आई एम आकांक्षा कर्णवाल है ना तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें सो दैट आपको मेरे सारे पीडीएफ सारे नोट्स सारे डीपीपीज मिल जाए मेरे सारे नोट्स डीपीपीस सिलेबस ट्रैकर फॉर्मोला शीट्स सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ बिल्कुल फ्री मैंने आपको कहां पर दिया है अपने टेलीग्राम पर दिया है तो आकांक्षा मैम के टेलीग्राम पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है वो मिल जाएगा आपको ठीक <laughs> है तो मेक श्योर आप आकांक्षा मैम का सही टेलीग्राम ढूंढ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं आज के सेशन के नोट्स आपको वहां मिलेंगे बच्चों ए, ए, ए स्पेलिंग भी आएगी नीट एग्जाम में आकांक्षा नाम की स्पेलिंग पूछी जाएगी तो इसको ध्यान कर लो ठीक है ना नीट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको का पूरा नाम की स्पेलिंग नहीं आती तो के तो के केमिस्ट्री बहुत सारे ऐसे ना चैनल्स बने हुए आकांक्षा कर्णवाल केमिस्ट्री आकांक्षा कर्णवाल ऑफिशियल आकांक्षा कर्णवाल ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है सब फेक है वो मेरा सिर्फ एक ही टेलीग्राम है विच इज आकांक्षा कर्णवाल ठीक है सही चैनल पर आप आएंगे तो आपको सही मटेरियल मिलेगा बाकी जगह भी वो इधर उधर से उठाकर वो लोग डाल देते हैं बट उधर ना और गलत लिंक्स भी आती हैं। बहुत सारी रॉन्ग लिंक्स आती हैं जिनके चक्कर में आप फंस सकते हो ठीक है तो यहां पर देखना मैंने ऐसा मेरा एक व्हाइट कलर का पिक्चर लगा होगा तो वही आकांक्षा मैम है ठीक है तो आपके पास ये नाम के साथ आज के सेशन के नोट्स मिल जाएंगे डीपीपीज मिल जाएगा फॉर्मुला शीट्स और मेरी अन अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं जैसे कि कल 3:30 पीएम 3:30 पीएम कंसंट्रेशन टर्म्स का मेरा क्लास होने जा रहा है जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जैसे मोलारिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन एंड एक्स वाई ज जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना साढ़े तीन बजे आपकी एक फ्री क्लास होगी फ्री क्लास अनाडमी ऐप पर स्पेशल क्लास में होती है फ्री क्लास होगी बिल्कुल इसको सब अटेंड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम डिस्कस वहां करने जा रहे हैं मेरी डीपीपी तो मैं फ्री मिल जाएगी उसका सॉल्यूशन भी मेरे साथ हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको स्पेशल क्लास में आना होगा एट थ्री थर्टी पी एम एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेक करिए वहां पर भी होगा और बाकी मेरे टेलीग्राम पर हर दिन आपको लिंक्स मिल रही हैं सो मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग मी देयर

कल के लिए कितना एक्साइटेड है तैयार कल वाले सेशन पर लाइक कर कर बता देना मैम हम तो रोज एक्साइटेड रहते हैं ना इसी के साथ डे टू आपका पूरा हुआ आपका एक्सपीरियंस कैसे था शेयर कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन और जिन स्टूडेंट्स ने आज लाइव नहीं देखा सेशन को और तुम अब बैठ कर रिकॉर्डेड देख रहे हो कल से लाइव आना यार है ना नहीं तो पिटोगे तो कल से लाइव आएंगे हमारे सेशन में और लाइव मिलेंगे हम लोग एंड टेक केयर फोर ना गुड नाइट सी ऑल टुमॉरोट थर्टी पीएम एंड थ्री थर्टी पी एम एंड सेशन रिवाइज करेगा पीडीएफ डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर